डिप्लोकोकस निमोनी और दूसरा है थर्मोफिलस इन्फ्लुएंजी, सॉरी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसके दो बैक्टीरिया हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, बात समझ गए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इतनी बात में कोई दिक्कत है, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? निमोनिया का एक बात बताओ, निमोनिया का एक बात बताओ कि इन्फेक्टेड ऑर्गन, ऑर्गन जो इफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, ऑर्गन जो इफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा निमोनिया का? लंग। हाँ हाँ लंग्स होगा, ऑर्गन जो इफेक्टेड होगा वो लंग्स होगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दोनों पैथोजन है निमोनिया के। जो एक्सप्लेनेशन वाली कॉपी है वो उसमें वही बात लिखना जो हम मुंह से बोल रहे हो, मुंह से जो बोल रहे हैं हम, जो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, वो अगर लिख लोगे तो थ्योरी याद करने में आसानी हो जाएगी, समझ गए। उसके बाद अब हम हेडिंग डालते हैं इसका, ऑर्गन इफेक्टेड, ऑर्गन कौन सा इफेक्टेड है, समझ गए, ऑर्गन इफेक्टेड। तो मेन ऑर्गन कौन सा इफेक्टेड होगा, मेन ऑर्गन कौन सा होगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हाँ बोलो बेटा। मैम थोड़ा सा कैमरा जूम कर दीजिए मैम, वो धुंधला धुंधला ब्लड से फिल होने लगते हैं। अब ये कब होंगे, स्टार्टिंग में ही निमोनिया होगा तब नहीं होंगे, निमोनिया जब खराब हो जाएगा तब, निमोनिया जब खराब हो जाएगा तब होंगे। ठीक है, जब खराब हो जाएगा तब होंगे, समझ गए। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, यानी निमोनिया एक ऐसी डिसीज है जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर इन्फ्लुएंजा बॉडी में बना रहता है तो उससे हम लोगों के लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और निमोनिया हो जाता है। तो ऑर्गन इफेक्टेड कौन सा है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, और एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद ब्लड। पैथोजन कौन सा है, डिप्लोकोकस निमोनी। कोकस वर्ड किसके लिए लगाया गया है मैम, जो राउंड होते हैं जो ओवल बैक्टीरिया के, डिप्लोकोकस वर्ड लगाया गया है, जितने भी कोकस हैं वो सब डिप्लोकोकस हैं, उसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, ओवल बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कैसे। अच्छा अब आप लोग कॉपी बना लोगे ना, नोट्स पहुंच गए, कॉपी बन जाएगी ना, ऐसा तो नहीं प्रिंट आउट निकल आएगा। नो मैम, पन्ना देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये इन्फेक्टेड ब्लड से पहुंचेगा, इन्फेक्टेड पर्सन के थूक से पहुंचेगा। ठीक है, जैसे खुले में कोई भी पर्सन ऐसा है, जैसे मतलब यूपी का तो ये करैक्टर है कि गंदगी को बगल में फैला देना है, चलते चलते कहीं भी थूक देना है, तो ये यूपी का तो करैक्टर ही है, इंडिया का तो करैक्टर, यूपी छोड़ दो इंडिया का करैक्टर है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो उसकी बॉडी बर्न नहीं करनी चाहिए, यानी चिता में आग नहीं लगानी चाहिए। इसलिए चिता में आग नहीं लगानी चाहिए क्योंकि जो वायरस होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जितने लोग चिता के पास खड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात हम किसी को बता के समझा नहीं पाएंगे, ये बात हम किसी से कह नहीं सकते हैं। एक्चुअल में उनका इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट जो होता है उससे करना चाहिए, जिससे जो उनका राख निकलेगी उसको भी डंप कर देना चाहिए, जिससे वायरस एनवायरमेंट में फ्री ना हो पाए। क्योंकि जब वायरस, जब बॉडी जलती है तो पेट से पानी निकलता है, तो बहुत तेज पेट फटता है और पानी बहुत ऊंचे बौछार से निकलता है, तो सोचो वायरस भी निकल रहे होंगे उसके साथ। तो जितने भी पर्सन इस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन की जिनके डेथ हुई हो, तो उनको इसी तरीके से करना चाहिए कि उनको इस तरीके से बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्पुटम हो सकता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर वायरस और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बात समझ गए। हीमोफिलस और डिप्लोकोकस निमोनिया जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्फ्लुएंजा के बॉडी में बने रहने से लंग्स में पानी भरने लगता है और लंग्स में ब्लड आने लगता है, मतलब खांसते 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 लंग्स में ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, लंग्स वीक हो जाते हैं। उन सारे लोगों को जो वीकनेस से कंडीशन क्या होती है कि लंग्स इन्फेक्टेड हुए, उनका एक एक चैम्बर में चारों तरफ ब्लड फिल होता है,
कैपलरीज होती है, अब वो कैपलरीज ना होके ब्लड ब्लडी अपीरियंस हो रहा है जो कि सिरिंज की हेल्प से निकाला जाएगा, यानी ब्लड सिरिंज की प्यानी सिरिंज की हेल्प से निकाला जाएगा। इस कंडीशन में इंसान को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा तेज चलने से प्रॉब्लम होती है, ऊपर से नीचे उतरने में प्रॉब्लम होती है। नीचे से ऊपर चलना तो छोड़ ही दो, नीचे से ऊपर चलेंगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च होती है ना, जबकि ऊपर से नीचे उतरेंगे तो कम एनर्जी खर्च होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो इस डिसीज से इन्फेक्टेड होता है उसको प्रॉब्लम होने लगती है। बात समझ गए बच्चों? बात समझ गए? सिम्टम्स अब सिम्टम्स क्या है? नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लुएंजा है तो सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग, छींक, बुखार, खांसी, म्यूकस बाय द स्पुटम, स्पुटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के थूक से ये डिसीज फैल रही है। ठीक, दूसरी बात क्या लिखते हैं हम लोग? अब एक तो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पहला सिम्टम्स ये कि इन्फेक्टेड इन्फेक्शन इन लंग्स। दूसरा सिम्टम्स है जितने भी ऑलमोस्ट एल्वियोलाई होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज से सफर कर रहे होते हैं। तीसरा है फीवर आ जाएगा, जब इतना सब कुछ होगा फीवर आ जाएगा, फीवर ऐसा आएगा जिसमें बॉडी ठंडी रहेगी फीवर रहेगा, बॉडी ठंडी रहेगी फीवर रहेगा, ठंड दे के फीवर आएगा, समझ गए? एक ऐसा फीवर आता है जैसे टाइफाइड का फीवर है, जब फीवर चढ़ेगा तब तो बॉडी गर्म रहेगी, जब फीवर बना रहेगा तो बॉडी नॉर्मल रहेगी, पता ही नहीं चलेगा बॉडी टच करने से आपको फीवर है 100 101, आपको अंदर अंदर बॉडी में पेन हो रहा है, अंदर बॉडी अच्छी फील नहीं हो रही है, अंदर से डिसीज फील हो रही है लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं नजर आ रहा है। सिम्टम इन द सेंस जब मेजरमेंट करेंगे तब तो फीवर आएगा, बट हम जैसे हमको फील होता है ना कि हाँ बॉडी गर्म है फीवर होगा, उस तरीके से कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। बात समझ गए? बात समझ गए इतनी बात? यस मैम। तो मैम ये ठंडा फीवर गर्म फीवर डिफरेंस क्या होता है मैम? ठंडा फीवर गर्म फीवर नहीं होता बेटा, फीवर कोई ठंडा फीवर और गर्म फीवर नहीं होता है, ये सिम्टम्स हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम लोगों को अंदर से तबीयत नहीं सही है, इंटरनल फीलिंग्स आ रही है कि फीवर है लेकिन बॉडी में टेम्परेचर हमको सो नहीं हो रहा बल्कि पसीना हो रहा है, स्वेटनिंग हो रही है, बॉडी ठंडी है बट अंदर से फीवर है। और मलेरिया में क्या होता है, ठंड दे के बुखार आता है, ठंड लगेगी फीवर आएगा, बॉडी एकदम तपने लगेगी, गर्म हो जाएगी। तो ये अलग अलग जो बैक्टीरिया, अलग अलग जो वायरस, अलग अलग जो ये मॉस्किटोज है, उनके सिम्टम्स हैं फीवर के, ये सिम्टम्स है। जिस पर्सन को जुखाम होगा उसको अंदर से तबीयत खराब लगेगी, उसका बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, थ्रॉट में हॉर्सनेस रहेगी, थ्रॉट पेन रहेगा, लंग्स में दर्द रहेगा अगर निमोनिया है, लेकिन उसको बाहर से फीवर है ये पता नहीं चलेगा किसी के टच करने से। मतलब अब ये बात एक मान के चलो कि लोगों की तो बॉडी गर्म होती फीवर होने पे, नॉर्मल मेरी बॉडी इतनी गर्म रहती है कि अगर हम किसी के ऊपर हाथ रखे तो वो कहेगा 102 फीवर है इनको, नॉर्मल बॉडी इतनी गर्म रहती है मेरी। अब ये लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन ज्यादा खाते हैं इसकी वजह से है, लेकिन मेरी शुरू से ही बॉडी, शुरू से ही मेडिसिन खाई है, शुरू से बॉडी में पाम मेरे इतने गर्म रहते हैं कि अगर हम गीले कपड़े पे ऐसे हाथ रख दें तो वो कपड़ा धीरे धीरे सूखने लगेगा, मतलब इतनी गर्म है मेरी हथेली इस टाइम भी इतनी गर्म है। अगर हमको नॉर्मली ये सब फीवर ईवर आ जाए तो मेरी बॉडी से पता ही नहीं चलेगा कि फीवर है भी कि नहीं, समझ गए? फीवर में कोई ठंडा गर्म नहीं है, फीवर का ये सिम्टोमेटिक फीचर है कि एक फीवर है जो ठंडी लगेगी, फीवर आएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर नॉर्मल, अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही जब बॉडी गर्म हो चुकी है। एक फीवर ऐसा है जब तुमको फील ही नहीं हो रहा है, तुमको ये फील हो रहा है कि अंदर से बुखार है बट तुमको बॉडी से फील नहीं हो रहा है, जब मेजरमेंट आएगा तो पता लगेगा 102 बुखार है, बॉडी दर्द करेगी, बॉडी एक रहेगा, पॉइंट ज्वाइंट्स दर्द करेंगे, सब कुछ होगा लेकिन ये फीलिंग्स नहीं आएगी बॉडी पकड़ने से कि तुमको फीवर है। बात इतनी समझ गए बच्चों? मैम एक बार मैम ये और बता दीजिए मैम, ये एल्वियोलाई में मैम वो कैसे आता है ब्लड? देखो होता क्या है कि जब हम लोग खांसते हैं अक्सर करके ये होता है कि हम लोगों को जुखाम 2-3 दिन से ज्यादा स्टे नहीं करवाना चाहिए बॉडी में। लोग कहते हैं ना अरे हो जाने तो ठीक हो जाएगा नेचुरल है, 6 महीने में एक बार जुकाम होना जरूरी है लेकिन 6 महीने तक लगातार जुकाम जरूरी नहीं है कि हर दिन आप ठीक आती है। होता क्या है जिस टाइम हम छींकते हैं स्नीज करते हैं ये यूस्टेचियन ट्रेकिया और ब्रेन की नस ब्लॉक कर जाती है, छींक आती है तो दूसरा जन्म होता है एक छींक के बाद क्योंकि सारा कुछ ब्लॉक है, उसी बीच में कभी कभी देखो कान ऐसा ठंस जाता है कि कान से सी चीज की आवाज आने लगती है जैसे कान में घंटी बज रही हो,
सारा कुछ नॉर्मल, कान में सन्नाटा हो गया हो, जुखाम में ऐसा होता ना कभी कभी कान एकदम खट से बंद हो गया, तो ये प्रोसेस में अगर हम ज्यादा कफिंग करते हैं तो लंग्स में प्रेशर पड़ता है, लंग्स में प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड कैपिलरीज वर्क करेंगी, इनको एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए ब्लड की, तो फटने लगेंगी, ब्लड कैपिलरीज बस्ट कर जाएंगी और वहां पे म्यूकस का डिपोजिशन होके ब्लडी अपीयरेंस शो करने लगेगा। जैसे एक डिसीज आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इम्फाइजमा पढ़ी होगी, उसमें बताया होगा टीचर ने आपके कि जब ये लंग्स होता है, लंग्स में ये एल्वियोलाई होते हैं, तो एल्वियोलाई ऐसे जैसे हम लोग रोड बनाते हैं या प्लास्टर करते हैं तो एक ग्रे कलर की गिट्टियां नहीं आती हैं, ग्रे कलर की छोटी छोटी गिट्टियां सी होती हैं, ग्रे कलर की छोटी छोटी गिट्टियां नहीं आती है रोड पे पड़ी रहती हैं ऐसे 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 ऐसे, ग्रे कलर की गिट्टियां नहीं जानते, छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े इतने ग्रे कलर के होते हैं, नहीं भी जानते तुम लोग? यस मैम, यस मैम। चले गए सब, पता नहीं कहां होती है, याद आया? याद आया बेटा, बाकी तीन लोग जो बैठे हैं उनको याद आया कि नहीं? नहीं मैम, कंकड़ जो होती है वो देखो कंकड़ जैसी होती, ग्रे ग्रे कलर की होती, रोड पे अक्सर पड़ी जाती है, तो वो जो जैसे मान लो अपनी एल्वियोलाई है वो उसी तरीके से अरेंज है, अरे मान लो कोई स्टोन रखा है, अरे ईंटे रख लो, ईंटे के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख दिए, ठीक है, तोड़ तोड़ के रखे हुए ये ईंटे के पीस है, और इनके बीच में ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरी चल रही है, ठीक है, होगा क्या जब इम्फाइजमा होगा तो इन्हीं के बीच में लंग्स के बीच में पानी भरने लगेगा ऐसे, तो लोग कहते हैं ना लंग्स में पानी भर गया है, तो जैसे गिट्टियों में यानी ईंटे रखे हुए उनमें टैप लगा दो, छोटा सा पाइप ऐसे कॉर्नर से खड़ा कर दो, तो जहां ऊंचे ऊंचे गिट्टी होंगी वहां नहीं, किनारे किनारे से पानी ऐसे ऐसे करके बहेगा, वही एल्वियोलाई के किनारे किनारे पानी भर जाता है, ये निमोनिया का ही सिम्टम्स ले लेता है, लंग्स में इतना पानी भर जाता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सिरिंज से डाल के लंग्स से पानी निकालना पड़ता है, और तब तक पानी निकालते हैं जब तक ब्लड ना वापस आने लगे, यानी अगर कभी कभी देखा होगा पानी निकल रहा है किसी के लंग्स में तो इतनी इतनी ट्यूब होगी जिसमें ब्लड आने लगेगा, तब पानी का निकलना बंद किया जाता है, समझ गए? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैम ये हमें जो खांसी आती है मैम, हाँ हाँ, तो मैम वो किस चीज की वजह से आती है मैम? ऑक्सीजन? देखो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर नॉर्मल खांसी आ रही है तो नॉर्मल जब खांसी आती है तो होता क्या है कि एपिग्लॉटिस का इफेक्ट है इसमें एपिग्लॉटिस का इफेक्ट है, ठीक, इसमें एपिग्लॉटिस का इफेक्ट है। एपिग्लॉटिस क्या करती है कि जैसे मान लो कभी कभी हम लोग बोलना चाह रहे हैं कुछ और मुंह बंद है, तो क्या कहता है जब हमारा सेंसेशन जाता है स्पीच सेंटर, बोलना चाह रहे हैं मुंह बंद है तो एकदम से मुंह खुल जाता है तो स्पुटम ट्रैकिया में चला जाता है तो खांसी आने लगती है। एक तो ये लॉजिक है, खाते वक्त खांसी आना, तो खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं उतनी जल्दी एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पा रही है, एक ये प्रोसेस। खाते वक्त कोई खा रहा था तुमको किसी ने हंसा दिया, ठीक है, तो एक खांसी आना ये तरीका है कि किसी ने हंसा दिया तो तुम्हारा खाना ट्रैकिया में जाने लगा तो खांसी आ गई। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस वाली खांसी है तो उसके ये चीज फट जाती है, लंग्स फट जाते, पैचेस पड़ जाते, पैचेस से ब्लड आने लगता है। अगर टीबी इतनी भयंकर हो चुकी है कि मुंह से ब्लड आ रहा है तो समझ लो बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, समझ गए? जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका भी लंग्स में इन्फेक्शन होता है, उनको ज्यादातर इन्फाइजमा होता है। करते क्या है, पहले डीप सक करते हैं, कस के सक किया, सक करने के बाद क्या किया, धुएं को अंदर रोक लिया, मतलब खूब तेज सिगरेट खींची और धुएं को अंदर रोक लिया, और उसके बाद धीरे से ऐसा करके निकाल रहे हैं, स्टाइल से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये निकालते हैं तो क्या होता है, अंदर म्यूकस है, कार्बन सारा जाके अंदर जम गया और सिर्फ धुआं बाहर निकल रहा है, यानी CO2 बाहर निकल रही है, कार्बन तो जम गया। जैसे दिया जला रहे हैं, सपोज करो दिए के ऊपर बुक रख दो तो काला काला काली लग जाएगी, पैचेस पड़ना शुरू। अब जब ये पैचेस पड़ गए हैं तो यहाँ पानी भरेगा, अब वो पैचेस कुछ तो करेंगे, वहां दाग सा पड़ गया है लंग्स में, अब वहां पानी भर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन रहेगी लंग्स में पानी भरने की, कितनी कंडीशन पे आप सही हो पाएंगे और कितनी कंडीशन पे नहीं हो पाएंगे। मतलब लंग्स दोनों में 70-70% पैचेस पड़ गए तो डॉक्टर कहेगा 2-4 सिगरेट और पी लो, जल्दी टिकट कट जाएगा, ठीक है। 2-4 सिगरेट नहीं, 2-4 डिब्बे सिगरेट, ठीक है, 2-4 डिब्बे नीचे ड्रिंक कर, एक पिया रखा फिर रखा,
पीते रहो, ठीक। तो ये जो 70% खराब हुआ वो 90 हो जाए तो जल्दी टिकट कटेगा, ठीक। अगर थोड़े थोड़े पैचेस आएंगे तो डॉक्टर कहेंगे बेटा जिंदगी प्यारी है तो सिगरेट से प्यार छोड़ दो, समझ गए। मानेगा नहीं कोई, स्टेटस सिंबल है। लीवर, सोचो लीवर सिरोसिस हो रही है, हम पी एल्कोहल रहे हैं स्टमक में, लेकिन स्टमक में पीने के बाद लीवर सिरोसिस लीवर में हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्लड तो लीवर से जा रहा है ना प्यूरिफाई होने के लिए, तो लीवर सिरोसिस हो रही है। हम सिगरेट पी रहे हैं, लंग्स में कैंसर हो रहा है। बात समझ गए, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, नो मैम, ठीक। उसके बाद जरा देखो, अब यहाँ पे क्या आया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन लंग्स में हुआ, एल्वियोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फीवर आया कैसा? फीवर आया चिल, कफ, हेडेक, चिल, कफ और हेडेक। बात समझ गए, चिलिंग होगी मतलब ठंडा ठंडा वाला फीवर रहेगा, कफिंग होगी और हेडेक रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, ठीक। ये जो इन्फ्लुएंजा वाली डिसीज है इसमें सर दर्द तो कॉमन है, और आजकल सर दर्द तो हम लोग का कॉमन हो गया है, जरा सी कोई बात होती नहीं कि सर दर्द पहले करने लगता है, ठीक। दूसरी बात क्या है, इन सेवर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे कलर। बहुत से ऐसे इन्फेक्शन के केसेस होते हैं जिनके किनारे किनारे बिल्कुल यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ये सब ग्रे कलर के होने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐसा दिख रहा है जैसे टीवी का पेशेंट हो इंसान, मतलब दुबलापन भी ऐसा दुबलापन है जो देखने में खराब लग रहा है, हड्डियां ऐसे डकर डकर कर रही हैं, लग रहा है कि इंसान जीने को उधार मांग रहा है। बात समझ गए? यस मैम, समझ गए। तो एक ये बीमारी होती है, एक इंसान को देख के मन नहीं करता कि उससे बोलो, कि वो बोलेगा तो ऐसा लगता है टीवी हो जाएगा, मतलब धरती पे बोझ है वो इंसान, उसका भी जीना बेकार है। अब बहुत मोटा इंसान भी जीना बेकार है कि वो भी धरती पे बोझ है, दोनों लोग बैलेंस बराबर बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए जो डिसीज बाहर से दिख जाए कि हमको ये डिसीज है, तो ये बात समझ लो कि अंदर वो डिसीज भयानक रूप ले चुकी है, क्योंकि सिम्टम्स हमको तब दिखाई देते हैं जब हम खुद सफर करके पार कर चुके होते हैं। बात समझ रहे हो? यस मैम, बच्चों समझ में आई बात? यस मैम। निमोनिया का मेन साइट है लंग्स, बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। टीवी का मेन साइट, ट्यूबरकुलोसिस का मेन साइट है लंग्स, और इम्फाइजमा का मेन साइट है लंग्स। सिगरेट स्मोकिंग टीवी का बैक्टीरियल का एक मेन कॉज होता है, एक से पिया, एक ने एक से पिया, उसी एक से दूसरे ने पिया तो इन्फेक्शन फैलता है, ठीक। और छोटी मोटी नहीं पिया, महंगी महंगी पी रहे हैं तो महंगा महंगा डिसीज होगी ना, तो टीबी भी होगी तो महंगी वाली होगी, छोटी मोटी नहीं कि इनको डॉट्स दे दिया काम चलेगा, इनका वैक्सीनेशन नहीं, इनका तो कहो लंग्स ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर बता दे। बात समझ गए? यस मैम। अब आ गए हम लोग प्लेग पे, अब आ गए हम लोग प्लेग। हाँ, सिम्टम्स में फीवर, चिल, अरे सिम्टम्स लिखे नहीं हमने, फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है, और सबके बाद फाइनली लिख लो डेथ है ना, फाइनली सबके बाद लिख लिया करो कि डेथ है सेवर केसेस में, ठीक। लास्ट स्टेज में है फिंगर लिप्स, फिंगर लिप्स एंड नेल्स, एंड नेल्स। मैम वो नीचे दिख नहीं रहा, इतना नीचे नहीं दिख रहा, अच्छा हमने जूम कर दिया ना, ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो फिंगर है, लिप्स है, नेल्स है, ये ऊपर वाली लाइन लिख लिया ना सबने, इसको रख कर दे, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। यस मैम, यस मैम, दिख रहे हैं? अभी फीवर कॉमा चिल्स का है यही ना मैम, कि ठंडा वाला फीवर? हाँ ठंडा वाला फीवर, मतलब ऐसा भी होगा कि कोल्ड उसको रहेगी, चिलिंग का मतलब कोल्ड रहेगी, और कोल्ड रहेगी उसकी बॉडी में तो नॉर्मल से। कोल्ड का होना तीन चीजों के लिए इफेक्टेड है, एक लंग्स, ट्रैकिया, लंग्स ट्रैकिया यानी ये लिम्फ नोड्स, ईयर, परमानेंट जुखाम बनी रहेगी तो कान बहने लगेगा, कान में प्रॉब्लम सुनाई देना। हाँ कान में क्या होगा, जो सीबम है वो नॉर्मली आपका क्या करेगा, सीबम में पानी वानी जो हम लोग का नॉर्मल है वो सब वो लीक करने लगेगा, डॉक्टर बता देगा, हवा भी उसको ठंडी लग जाएगी तो कान दर्द करने लगेगा, डॉक्टर बता देगा परमानेंट रुई लगाए रहने दीजिए। क्यों? जब छींकते हैं हम लोग
तो हम लोग के कान में कभी कभी सन्नाटा सा छा जाता है, ऐसा लगता है कान में झापड़ किसी ने मार दिया है, ऐसा लगता है। तो दोनों कान खुल भी जाते हैं, खुल भी जाते एकदम, सी की आवाज आने लगती है, जैसे सीटी बज गई हो कान में। तो अगर ये सब इतना कुकर प्रेशर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फटे वटेगा भी। तो कंटिन्यूस अगर किसी को जुकाम बना रहता है तो ये पूरा नागपुर टू कानपुर इन्फेक्टेड हो जाता है। नागपुर टू कानपुर सब रिलेटेड है, ये सारा धड़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई तो दूसरा अपने आप दिक्कत पैदा कर देगा। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। इतनी बात, अब दूसरी डिसीज आ गई प्लेग, दूसरी डिसीज आ गई सिम्टम। अच्छा, अरे हमें भी क्या हो गया है, बोर्ड हिल गया, मतलब बोर्ड नहीं मोबाइल हिल गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बेटा, अब हम लोग की देखो जो जो अब हम डिसीज बोलने जा रहे हैं, जो अब हम डिसीज बोलने जा रहे हैं ये पूरा नीट लेवल का है। तुम्हारे बोर्ड्स में केवल दो ये डिसीज आज तक जो हमने पढ़ाई वो बोर्ड्स में थी। ठीक, अब जो हम डिसीज पढ़ेंगे वो नीट की है, वो नीट की है। बात समझ रहे हो? मतलब हमने पढ़ा था टाइफाइड कल पढ़ा था, टीबी कल पढ़ा था, निमोनिया आज पढ़ लिया। तो इतनी डिसीज केवल हमारी बैक्टीरियल थी जो हमारे सिलेबस में थी बोर्ड्स के। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सब टोटल इन ऑल नीट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, जरा देखो, पहली डिसीज पढ़ी हमने प्लेग, पहली डिसीज क्या पढ़ी हमने प्लेग। ठीक, अक्सर करके होता क्या, प्लेग जो है वो चूहे के मर जाने से होता है। चूहा जब मर जाता है, मर के सड़ जाता है, तो उसमें जो ये होते हैं प्लेग के बैक्टीरिया वो इकट्ठा होने लगते हैं। मतलब अगर चूहे का मर, कोई चूहा मर गया हो मोटा ताजा, बहुत सूखा साका टाइप का ना मरा हो, नहीं तो मर के चिपकी जाएगा। तो उसमें इतने बड़े बड़े निमेटोड